शीर्ष कमांडर का पद संभाला तो 15 जनवरी की तारीख बन गई देश के लिए ऐतिहासिक। भारतीय सेना का गठन है सन 1776 का। जानिए आज के दिन इंडियन आर्मी का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1776 में एक सैन्य बल की स्थापना की गई। तब ये सैन्य बल ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक टुकड़ी के रूप में कार्यरत थी। धीरे धीरे इनके साहस, शौर्य और बल से ये ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जानी जाने लगी। और सन 1950 यानी कि आजादी के बाद ये सेना भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाने लगी है। वो इंडियन आर्मी जिसपे हम भारतीय प्राउड करते हैं, वो इंडियन आर्मी जो हर देश की सरहदों पर तैनात है सुरक्षा के लिए, जिससे हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक वर्ग सुरक्षित रहे। तो आज के दिन जानते हैं कौन है वो महान शख्सियत जिनके कारण 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। मैं सुशील एक्ट्रेस एडवोकेट का उत्तर जेडी फ्लाइट में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है मैं आज के दिन। जो लोग इंडियन आर्मी से बहुत प्यार करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद वो नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सभी लोग जान पाएंगे कि इंडियन आर्मी देश की सर्वोच्च बल मानी जाती है। के एम करियप्पा एक ऐसा नाम जिनके कारण आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को ये दिवस मनाया जाने लगा। उनका क्या सहयोग था, कौन थे के एम करियप्पा जिनके बारे में इंडियन आर्मी में इतना उनका नाम चर्चित है, तो उन महान शख्सियत का क्या योगदान रहा, उन महान शख्सियत के कारण क्यों आज के दिन 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे महान शख्सियत के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवन के स्पेशल वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी है। यही कारण है कि हिटलर और इजराइल दोनों ने भारत के अनुशासन को सर्वोपरि माना है। साल 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाया जाने वाला ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। लेकिन आइए जानते हैं इंडियन आर्मी की नींव के बारे में। देश की आजादी के बाद कौन से वो शख्सियत है जिनके नाम के कारण आज का दिवस पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सन 1947 में करियप्पा ने भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी और पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी थी। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। हालांकि वे यह खिताब पाने वाले दूसरे शख्स थे। इससे पहले 1973 में भारत के पहले फील्ड मार्शल और के एम करियप्पा को इस पद से 1986 में सम्मानित किया गया। दरअसल फील्ड मार्शल का पद भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है और ये सम्मान स्वरूप दिया जाता है। के एम करियप्पा का जन्म कर्नाटक के कुर्ग जिले में 1899 में हुआ था। फील्ड मार्शल करियप्पा ने ब्रिटिश भारतीय सेना से फौज की नौकरी की शुरुआत की थी और करियप्पा ने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व भी किया था। वहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान दोनों देशों की सेनाओं को बांट रही और उनके बंटवारे की जिम्मेदारी भी के एम करियप्पा को ही सौंपी गई थी। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हो गए थे और करियप्पा को साल 1986 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित भी किया गया था। आइए जानते हैं इस रोचक तथ्य को कि 15 जनवरी के दिन ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल आज के दिन ही फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने आजादी के बाद साल 1949 में ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की पूरी कमान ले ली थी। फ्रांसिस ने भारत में अंतिम ब्रिटिश जनरल के रूप में काम किया था। इसके बाद भारतीय सेना की कमान मार्शल के एम करियप्पा को सौंप दी गई थी और करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। के एम करियप्पा ने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर के पद को संभाला था आज के दिन यानी कि 15 जनवरी के दिन। और इसी उपलक्ष्य में 15 जनवरी के दिन भारतीय थल सेना दिवस बड़े धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को दिल्ली में सेना कमान मुख्यालय के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन परेड ग्राउंड पर आर्मी डे परेड का आयोजन होता है। आर्मी डे के तमाम कार्यक्रमों में से यह सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर दिल्ली की अगुवाई में यह परेड निकाली जाती है।
आर्मी चीफ सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण करते हैं। ये परेड भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होती है। आर्मी डे पर आर्मी चीफ बेहतरीन सेवाओं के लिए जवानों को सम्मानित करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल खिताब से नवाजा गया था। 15 मई 1993 को बेंगलुरु में उनका निधन हुआ था, लेकिन भारतीयों के दिलों में वो सदा सर्वदा अमर रहेंगे। और इतना बड़ा डे इवेंट जिनके कारण मनाया जाता है, उनका आभार सदा ही प्रकट करते हैं। उम्मीद करते हैं इंडियन आर्मी की ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी कि 15 जनवरी के दिन इंडियन आर्मी दिवस क्यों मनाया जाता है। और जो लोग इंडियन आर्मी और देश से प्रेम करते होंगे, वो इस वीडियो को जरूर पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये डे किन महान शख्सियत के कारण सेलिब्रेट किया जाता है, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज का डे इवेंट इतना महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें और कुछ विशेष चीज़ों के बारे में ना बात करें, तो ये वीडियो बिल्कुल अधूरी रहेगी। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हमारे देश सुरक्षा में सदैव लगे रहते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो इंडियन आर्मी को अपने आप में विशेष बनाती हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों को कंट्रोल करने में माहिर है। इसका उदाहरण है सियाचिन ग्लेशियर, जो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर है। दुनिया में भारत के पास सबसे बड़ा स्वैच्छिक सेना है। सेवारत और रिजर्व कर्मियों ने वास्तव में सेवा को चुना है। भारतीय संविधान में जबरन भर्ती का प्रावधान है, लेकिन आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय सेना का हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनिंग संस्थान में गिना जाता है। अफगानिस्तान भेजे जाने वाले पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग भी इसी इंस्टीट्यूट में हुई थी। साथ ही यूके और रशिया से भी जवान यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये इंस्टीट्यूट पहाड़ी इलाकों और ऊंचाई पर लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग देती है। आपको जान के शायद हैरानी हो, लेकिन 1970 और 1990 के दशक में भारत ने छिपकर अपने परमाणु शस्त्र मार्ग का परीक्षण किया था, और CIA को इसकी भनक तक नहीं हुई थी। आज तक इसे CIA की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता है। भारत के अन्य सरकारी संगठन और संस्थाओं की तरह जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। सैनिकों की भर्ती उनके समग्र योग्यता, कड़े परीक्षण और फिटनेस के आधार पर होती है। कोई भी भारतीय नागरिक अगर एक बार सेना में भर्ती हो जाता है, तो वो सैनिक ही कहलाता है। अगर बात करें तो भारतीय सिनेमा पर भी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। लोंगेवाला युद्ध के दौरान भारत की ओर से केवल 2 हताहत थे। बाद में इस पर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनाई गई। जानते हैं अब फटाफट कि इंडियन आर्मी में कौन कौन से ऐसी रेपुटेड पोस्ट होती हैं। फील्ड मार्शल की उपाधि अब तक 2 लोगों को मिली है, एक तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मोनाक्सो। लेफ्टिनेंट जनरल बैच की पहचान होती है। डंडा, क्रॉस और तलवार के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह का निशान मौजूद होता है, और इनका कार्यकाल 60 वर्ष का होता है। इसके अलावा मेजर जनरल का कार्यकाल 58 वर्ष का तय किया गया है। एक फिल्म है जिसमें ब्रिगेडियर शब्द बहुत बार सुना गया था और वो बहुत चर्चित फिल्म हुई थी। तो ब्रिगेडियर की पोस्ट भी इंडियन आर्मी में होती है, और इनका कार्यकाल 56 वर्ष के लिए होता है। वहीं कर्नल की सेवानिवृत्ति की आयु 54 साल तक की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पहचान 5 बिंदु वाले सितारे के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक मौजूद होता है। मेजर बैच की पहचान राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान वर्दी पर शामिल। इसके अलावा लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 5 बिंदु वाले सितारे का निशान भी। उम्मीद करते हैं कुछ हद तक आपको इंडियन आर्मी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। और इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।